लास्ट स्लाइड्स पे मैं आपको की थी जीएसटी एवैल्यूएशन भी, वो आपने देखी? नहीं मैम, मुझे तो ईमेल अभी आई है। मैंने वो क्या कहते हैं, चल दी नहीं थी रही मेरी। मैंने फिर वो कास को फोन करके उनसे रिफ्रेश करवाई है, तो मुझे फिर आपकी मेल्स रिसीव हुई है, फेच हुई है। के इस तरह के इश्यूज चल रहे होते हैं, फिर हम वो वेट कर रहे हैं। सेशन वैसे भी इतना छोटा होता है, वो हम उसको वेट कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग मैम ज्वाइन कर लेंगे जो भी जिन लोग अपने पास ज्वाइन तो नहीं, अभी साथ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दीजिएगा ना। करना हो। अरे ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है ग्राफिक डिजाइन इन एचसीआई। आज हमने ये पढ़ना है। अटेंशन क्या होता है? किसी भी चीज पे आप अटेंशन, काम करते हुए आपकी अटेंशन होती है उसकी, और किसी भी काम के लिए अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। जैसे आप ड्राइविंग करते हुए फोन सुन रहे हैं, या फिर आप तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है डिफरेंट टास्क पे, तो वो अगर अटेंशन आपकी किसी चीज पे नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ग्राफिक डिजाइन में आप इसका क्या काम है? हम ह्यूमंस की अटेंशन की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को माइंड में रखते हुए डिजाइन, इस तरह से इंटरफेस का डिजाइन बनाते हैं। मेनली अटेंशन की दो टाइप्स होती हैं, फ्लेक्सिबल अटेंशन एंड डिवाइडेड अटेंशन। फ्लेक्सिबल अटेंशन क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर, फ्लेक्सिब का नाम से जैसे है, किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्कैनिंग कर रहे हो, मैं आपको एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश का एक पैराग्राफ है जिसमें आपको लास्ट को कुछ क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है और आप उस पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो आप जल्दी से कीवर्ड्स ढूंढते हो। लाइक मैंने आपको, जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ शो करती हूँ आपके सामने दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ इसमें से बुक ढूंढना है, तो आप जल्दी से बाकी सारे वर्ड्स को इग्नोर करते हुए बुक पे फोकस कर रहे होते हो, तो आप वहां से फाइंड कर लेते हैं। तो ये सिलेक्टिव अटेंशन होती है। जैसे कोई अगर कोई पार्टी है हो रही है जिसमें बहुत ज्यादा नॉइस होती है, बहुत शोर होता है, और बहुत ज्यादा वॉइसेस आपको बैकग्राउंड आ रही होती हैं, आप किसी भी, कोई भी आपको हैपेजर मैनर में सब कुछ चल रहा है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर कोई बंदा आपका नाम बोलता है तो आपको कुछ चीज समझ आ जाती है, आपको अपना नाम आप सुन लेते हो उसमें। तो पर इतना ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस, इतना शोर, उसमें इतनी ज्यादा वॉइसेस जिसमें से आपको किसी चीज की भी नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको अपने नाम की समझ आ जाती है, तो इसमें हम ये सिलेक्टिव अटेंशन होती है जो कि पर्टिकुलर चीज पे फोकस की जा रही होती है, जिससे हम दूसरी सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं और एक चीज पे फोकस करते होते हैं। यहाँ पे देखिए, हमको इसकी डायग्राम एक दिखाई हुई है सिलेक्टिव अटेंशन की। जैसे इर्द गिर्द की सारी चीजों को ब्लर करके, जैसे हम जो मेन चीज, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि मैंने एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ में आपको कहा है कि बुक का वर्ड आपने सर्च करना है, तो आप बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दोगे और उस बुक का वर्ड सर्च कर लोगे। इस तरह ये एक है डायकोटिक लिसनिंग टास्क। इसमें क्या होता है, एक टेस्ट है, एक स्पेशल टाइप का हेडफोन है जिसमें राइट ईयर पे आपको कोई एक वॉइस सुनाई देती है और लेफ्ट ईयर पे कोई और वॉइस सुनाई देती है, तो आप राइट और लेफ्ट ईयर में डिफरेंट टाइप की वॉइस है, और आपसे पूछा जाता है, टेस्ट भी किया गया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि राइट ईयर में आपको क्या आवाज आ रही है, तो आपने ये मुझे बताना है, या लेफ्ट ईयर में आपको क्या सुनाई दे रहा है आपने ये बताना है। इसमें क्या चीज मेनली हो रही होती है कि आप, देखा जा रहा होता है कि आप अपने राइट, अगर मैं आपसे कहती हूँ राइट ईयर की सुनाई, तो आपने बताना है कि आप अपने लेफ्ट ईयर की में जो सुनाई दे रहा है उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ राइट पे फोकस करते हो, या अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके राइट ईयर में क्या सुनाई दे रहा है, तो आप अपने लेफ्ट वाले में जो भी सुनाई दे रहा है आपने उसे इग्नोर कर दिया, और आपने राइट वाले में से जो भी बोल रहा है, यहाँ पे जैसे इसके लेफ्ट ईयर में क्या आ रही है, ये वाली वॉइस उसे सुनाई दे रही है, और राइट में ये वाली वॉइस सुनाई दे रही है। अब उससे कहा गया है कि आपने राइट ईयर में जो वॉइस है वो बतानी है, वो इसको इग्नोर कर देता है, जो भी सुनाई दे रहा है वो उसको बिल्कुल सुनेगा ही नहीं, और वो बोलना है, वो वर्ड उससे कहा गया है बोलने हैं जो आपको राइट ईयर में सुनाई दे। डिवाइडेड अटेंशन टू टाइप्स की होती है, सिलेक्टिव और डिवाइडेड। सिलेक्टिव में क्या है, जिससे जिस किसी पर्टिकुलर चीज पे आप फोकस कर रहे होते हैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। डिवाइडेड अटेंशन क्या होती है, जैसे मल्टीटास्किंग हो रही है, तो मल्टीटास्किंग में आप क्या करते हो, आपकी अटेंशन मल्टीपल चीजों पे फोकस हो रही होती है। जैसे वाचिंग टीवी, आप टीवी देखते हुए काम कर रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल आप एक असाइनमेंट बना रहे हो और साथ साथ टीवी देख रहे हो, या आप ड्राइविंग कर रहे हो फोन यूज करते हुए, तो इसमें आपकी अटेंशन मल्टीपल मल्टी टास्क पे फोकस होती है। एक टास्क जब आप अपनी अटेंशन किसी एक टास्क पे फोकस करके काम करते हो तो वो ज्यादा बेटर वे में होता है, रादर देन जब आप मल्टीपल चीजों पे फोकस कर रहे होते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी बुरी बैड हो जाती है। अब इसका रोल जो अटेंशन है, इसका रोल या ग्राफिक डिजाइन का रोल जो है वो डिजाइन इंटरफेस डिजाइन में कैसे होगा, ये इंटरफेस डिजाइन में यूजर को हेल्प करती है इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा अटेंशन को पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करने, जैसे मैंने आपको अटेंशन वो बुक का सिलेक्टिव अटेंशन की बात की कि बुक है, बुक के ऊपर आप देख रहे हैं कि आप रिसर्च करना है एक बुक का वर्ड, तो आप बाकी सारी चीजों को नोट करके बुक सर्च कर लोगे। तो इस तरह अगर आपको इंटरफेस में आपका एक काम है, आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो आप अपने टास्क पे फोकस करोगे बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए। और डायरेक्ट अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट डिजाइन इंटरफेस में ग्राफिक डिजाइन का और क्या रोल है, एक तो वो आपको इंटरफेस अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, दूसरा उसको आपको टास्क पे फोकस करने में मदद करता है और बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो भी इंटरफेस में जिसको बजाय इसके कि आप इंटरफेस में इधर उधर की चीजों में लगे रहे और आप अपने मेन जिस मकसद के लिए इंटरफेस को यूज कर रहे हैं वो काम पूरा ही नहीं हो, तो वो मेनली जिस काम के लिए आपने इंटरफेस को यूज कर रहे हैं उस पर अटेंशन आपकी डाइवर्ट करता है। इंफॉर्मेशन डिजाइन का गोल क्या है, identify methods for representing and arranging the objects and actions possible in the system in a way that facilitate perception and understanding. अब इसका मतलब क्या है, आपने इंटरफेस पे डिफरेंट चीजों को अरेंज करना होता है, जैसे मेन्यूज है, कोई डायग्राम्स है, कुछ चीजें जो भी आपने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, लेआउट जो भी टेबल, ये सारी चीजें आपने एक इंटरफेस पे अरेंज करनी होती है। इंटरफेस पे अरेंज इस तरह से की जाती है in a way that facilitates perception and understanding, जो कि human की perception को और उसकी understanding को facilitate करे। आप information design का क्या मतलब है, हम यहाँ पे क्या चीजें देखेंगे, हम देखेंगे कि एक interface को simple कैसे बनाया जा सकता है, simplest form में हमें रखना है, minimalist design। आपने last lecture में देखा था minimalist design, heuristic evaluation में एक heuristic था जिसका aesthetic and minimalist design। आपने minimalist design कैसे बनाना है, मिनिमम चीजें होनी चाहिए, सिंपल डिजाइन होना चाहिए और उसके बाद जो चीजें आपकी कंपल्सरी हैं आपने रखनी है इंटरफेस में, उन चीजों को किस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि वो ह्यूमन की परसेप्शन में, जैसे ह्यूमन सोचता है, ह्यूमन को क्या लगता है कि ये चीज इस मकसद के लिए होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करनी चाहिए, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करे। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है। फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन डिजाइन क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं लिखी हुई, यहाँ पे गल्फ ऑफ एवेल्युएशन एंड गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। गल्फ का क्या मतलब होता है, गैप को कहते हैं। एग्जीक्यूशन क्या मतलब, यहाँ पे एक ह्यूमन है, ह्यूमन ने कोई टास्क परफॉर्म करना है इंटरफेस पे, यहाँ पे कुछ सिस्टम इंटरफेस पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, आपका कोई टास्क होगा जो आपका गोल है, आपने उसके लिए कोई प्लान कर लिया होगा कि ये वाला गोल ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं कर सकती हूँ, या ये टेस्ट इस गोल को करने के लिए ये स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करते हुए आपको कुछ वो गोल एक्चुअल में, अब यहाँ पे आपने जो प्रिसीव किया कि मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और जो एक्चुअल में आपको फॉलो करने पड़े, जब एक काम परफॉर्म हुआ है, जब आप ने यहाँ पे आपके माइंड में जब आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपके माइंड में उसके लिए आपने सोचा होगा कि मुझे ये फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 ये वाले टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, और एक्चुअल में जब आपने परफॉर्म किया तो आपको जो टास्क परफॉर्म करने पड़े उनके दरमियान जो गैप होता है उसको गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, ये चीज समझते हैं कि ये ह्यूमन है, इसने इंटरफेस पे कोई टास्क परफॉर्म करना है सिस्टम पे, अब इसने इंटरफेस पे जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए इसने माइंड में सोचा होगा कि ये स्टेप मुझे करने पड़ेंगे,
और एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट वो करता है तो जो स्टेप्स करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 उसने सोचे थे और एक्चुअल में जब उसने किए उसे 1 3 4 और 7 करने पड़े, तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसको गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। हमें इस गल्फ को, इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है। एक अच्छा इंटरफेस डिजाइन जो होता है या ग्राफिक डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन का पर्पस क्या है कि वो इस गैप को मिनिमाइज करती है, कि ह्यूमन जो परसीव कर रहा है, जो उसके माइंड में आ रहा है कि ये एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक्चुअल में भी उसे उतने ही एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो एक्चुअल में और जो परसीव होता है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है। गल्फ ऑफ एवेल्युएशन में क्या होता है, अब यहाँ पे आपने कोई टास्क परफॉर्म किया है, उसकी आउटपुट आई है, सिस्टम पे कोई आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, अब ये पर्सन जो है उस आउटपुट को अंडरस्टैंड कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, यहाँ से उसने परसीव किया, उससे परसेप्शन उसकी, उससे इंटरफेस के ऊपर कुछ बना हुआ है, उसने उससे कोई परसेप्शन ले ली, उसको इंटरप्रेट कर लिया अपने माइंड में और उससे कोई सेंस बना ली, जो एक्चुअल था इंटरफेस पे उसने उससे कुछ परसीव इंटरप्रेट और उसकी सेंस बना ली, क्या जो उससे सेंस बनाई और जो यहाँ पे है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस है, उसके दरमियान जो गैप होगा उसे गल्फ ऑफ एवेल्युएशन कहा जाता है। उसकी क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें ये परसेप्शन गल्फ ऑफ एवेल्युएशन की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि परसेप्शन है लाइक आपके इंटरफेस पे कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही थी, यूजर ने इस डिस्प्ले से ये परसीव किया कुछ कलर्स हैं, शेडिंग, लाइन, करेक्टरिस्टिक्स ये बने हुए हैं, उसके बाद उसने इंटरप्रेट कर लिया कि ये लाइन, शेड, कलर ये जो है ये एक एक्सेल शीट है, इस सेल इज सिलेक्टेड, फार्मूला इज डिस्प्लेड, ये सारी चीजें उसने इंटरप्रेट कर लिया, यहाँ से कुछ कुछ लाइनें, कुछ कलर, कुछ इस तरह की चीजें नजर आई, उसके बाद उसने इससे प्रोसीड कर लिया कि ये एक्सेल शीट है, उसके बाद मेकिंग सेंस में उसने उस चीज की सेंस बनाई कि अच्छा ये इनकम वर्कशीट थी जिसमें टोटल टैक्स और वो सब कुछ कैलकुलेट किया गया, वो इससे सेंस बना ली, क्या जो इसने परसीव किया जो इसने सेंस बनाई और एक्चुअल में जो डिस्प्ले था वो सेम था, उसके दरमियान कोई गैप तो नहीं था, जो वो गैप होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। परसेप्शन क्या है, ऑर्गेनाइज एंड इंपोर्ट सेंसरी डाटा इन द माइंड, आपने यहाँ पे मेन, अच्छा यहाँ पे मेन मकसद क्या है इस सारे का, मेक दिस परसेप्चुअल प्रोसेस रैपिड एंड एक्यूरेट। अब हमारा इंटरफेस जो है, एक तो हमें इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, ये गल्फ ऑफ एवेल्युएशन एंड गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ये गैप है जो कि हमें मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अगर ये जो परसीव कर रहा है, हम इस परसीव के प्रोसेस को इजी और एक्यूरेट और क्विक करना चाहते हैं। इंटरफेस, एक अच्छा इंटरफेस का मतलब क्या है कि हम इस प्रोसेस को, परसेप्चुअल प्रोसेस को रैपिड और एक्यूरेट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन विजन जो है वो हाईएस्ट बैंडविड्थ पे काम करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, प्री अटेम्प्टिव पैटर्न रिकॉग्निशन और इसके अलावा लाइक वो विजुअल जो होता है वो ज्यादा, एक तो प्री प्रोसेसिंग पहले से स्कोर कर लेता है, लाइक हम एक पैटर्न में चल रहे हैं तो हम नेक्स्ट स्कोर कर लेते हैं, अच्छा आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम स्लाइड में चल रहे हैं तो अब आपको पता है कि नेक्स्ट ये स्लाइड आएगी, नेक्स्ट स्लाइड आएगी, तो हमारा माइंड एक पैटर्न में चल रहा हो तो वो जल्दी पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है, प्री अटेंटिव होता है, पहले से वो कर रहा है, पहले मल्टीपल चीजों को एट ए टाइम प्रोसेस कर रहा होता है, और इसके अलावा विजुअल चीजों पे ज्यादा उसकी एबिलिटी होती है विजुअल रिकॉग्निशन में। यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको दिखाया जा रहा है कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नाम है, कॉलेज डिग्री, परसेंटेज में बताई हुई है और इनकम। आप जहाँ पे विच स्टेट हैज हाईएस्ट इनकम, अगर मैं पूछती हूँ तो आपने देख के बताना है कि कौन सी स्टेट की इनकम सबसे ज्यादा है। हम ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे ये टू में लग रही है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एजुकेशन, कॉलेज डिग्री और इनकम
के दरमियान क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लाइक क्या कॉलेज डिग्री के जिनके पास ज्यादा है, जिस स्टेट में कॉलेज डिग्री ज्यादा है उसमें इनकम भी ज्यादा है, या कॉलेज डिग्री के इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होती है या इनकम डिक्रीज होती है, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कोई आउटलायर्स हैं इसमें। अब ये चीजें अगर मैं आपको देखने के लिए कहती हूँ एक टेबल में से, ये देखना फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है इतने से टेबल में, जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और उसी चीज को ये जो डाटा हमारे पास ये यहाँ पे अवेलेबल है, हम इसको एक्स को वाई एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ड्रा कर दिया कि कॉलेज डिग्री वर्सेस इनकम, क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलेज डिग्री के बढ़ने से इनकम भी बढ़ रही है, तो जैसे कॉलेज डिग्री इंक्रीज होती है इनकम इंक्रीज हो जाती है। कुछ आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स का मतलब होता है एक्सेप्शनल केसेस, लाइक एक रिलेशन फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कॉलेज डिग्री के बढ़ने से इनकम इंक्रीज होती जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी बोल देती हूँ, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कॉलेज डिग्री ज्यादा है लेकिन इनकम फिर भी कम है, या ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कॉलेज डिग्री जो है बहुत, कॉलेज डिग्री की परसेंटेज जो एजुकेशन की परसेंटेज बहुत कम है लेकिन यहाँ इनकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो आउटलायर्स क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ बताने का मकसद क्या था, जब एक चीज सिंपल टेक्सचुअल फॉर्म में है और विजुअल फॉर्म में है तो ह्यूमन माइंड जो होता है वो विजुअल चीजों को ज्यादा जल्दी जो है वो गेट कर लेता है। परफेक्शन इज अचीव्ड नॉट व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड बट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे। इसका क्या मतलब है, आपने परफेक्शन इज अचीव नॉट व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड बट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे। परफेक्शन तब आपको गेट होती है जब इसमें से कोई भी चीज, अच्छा इस सारी बात का मतलब क्या था कि आप, हम क्या करते हैं इंटरफेस में जितनी भी चीजें वो चीजें ऐड करते जा रहे हैं, मेन्यू ऐड कर दें, मेन्यू में सब मेन्यू 5-6 और मेन्यूज ऐड कर दें, ये भी ऐड करें, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, आप इस तरह के इंटरफेस बनाते हो कि उसमें आपने बहुत मेसअप क्रिएट किया होता है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सी चीजें ऐड कर देंगे तो लगेगा हमने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और वो चीजें इस तरह से शो आप कर रहे होते हो, लेकिन एक अच्छा इंटरफेस वो होता है जिसमें When there is nothing left to take away, आपने जो चीजें डाली हुई हैं, जो चीजें ऐड की हुई हैं, उनमें से कोई भी चीज को निकालना। अब मैं अगर आपका इंटरफेस में से एक चीज मेन्यू निकाल देती हूँ, उसके निकालने से कुछ फर्क पड़ता हो क्या, उसकी वर्किंग नहीं हो रही, क्या कोई इफेक्ट हो रहा है, अगर उससे के निकालने से कोई इफेक्ट नहीं होता तो मतलब इसकी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक अच्छा इंटरफेस, एक परफेक्ट इंटरफेस वो होता है जब उसमें कोई हर चीज जो होती है उसकी बहुत जरूरी हो तब आप उसे ऐड करें, अगर वो जरूरी नहीं है तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हमने इंटरफेस में सिंपलिसिटी लेके आनी होती है, तो सिंपलिसिटी तब लाई जा सकती है जब आप उसमें से एक्स्ट्रा सारी चीजों को रिमूव कर दें और जो चीजें आपके पास हैं उनमें से किसी भी चीज को निकालने से अगर बिल्कुल उसकी कोई गलती ना चलती हो तो तब वो एक परफेक्ट इंटरफेस है। Realistic images recognize more accurately but are more complex, take longer time and are carefully removed unnecessarily. अच्छा, realistic जो images हैं, जैसे हम icons बनाते हैं, जो इन चीजों के icons होते हैं different files के, आपके system पे interface में कुछ icons हो गए, तो वो रियलिस्टिक बनाने जो होते हैं वो बेटर होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं और जल्दी ज्यादा जो होते हैं यूजर्स उससे ज्यादा जल्दी गेट कर सकते हैं, उसकी परसेप्शन प्रोसेस जो होता है, हम परसेप्शन प्रोसेस को एक्यूरेट बना रहे हैं और वो उससे एग्जैक्टली वही रिसीव करें जो इंटरफेस उस आइकन पे है कि इसमें क्या चीजें होंगी। फाइल के लिए आपने एक आइकन यूज किया हुआ है तो वो रियलिस्टिक इमेजेस अगर होंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन रियलिस्टिक इमेजेस जो होते हैं वो प्रोसेसिंग करने में ज्यादा टाइम लेते हैं, तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने बात की कि गूगल का इंटरफेस बहुत सिंपल है, हम इंटरफेसेस में सिंपलिसिटी कैसे ला सकते हैं,
डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं सिंपलिसिटी को ऐड करने के लिए. हम तीन टेक्निक्स देखेंगे, रिडक्शन,